भारतीय जनता पार्टी ही का नाम है भारत जलाओ पार्टी। ये कभी राम के नाम पर, कभी जाति धर्म के नाम पर, इनका शुरू से स्टैंड रहा है कि आपसी जो भाईचारा है उसको मिटाकर ये अपनी रोटी सेकने का काम कर रहे हैं ये लोग। अमित शाह जी से पूछिए ना कि पहले गुजरात में और पहले महाराष्ट्र में जो उनकी सरकार है, पहले वहाँ तो ये करे, राष्ट्रपति शासन लागू करे। अमित शाह जी बनाएंगे क्या तेजस्वी को मुख्यमंत्री जी? मुख्यमंत्री जनता बनाती है, बिहार की जनता तेजस्वी यादव और आदरणीय नीतीश कुमार जी के साथ है। सक्ष हम लोग एक साथ हैं और पूरे एक मंच पर हम लोग आकर बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश से भारतीय जनता पार्टी यानी भारत जलाओ पार्टी को उखाड़ फेंकेंगे। आपकी फिटनेस का राज क्या है? एशफेल रस, ये एक ही बॉटल में है। स्ट्रेस, वीकनेस, एसिडिटी, एबिसिटी, हेयर फॉल, स्किन की हर परेशानियों का एक ही हल, एशफेल लाइफ, डायबिटीज फ्री लाइफ। केंद्रीय गृह मंत्री कल बिहार पहुंचे थे, उनकी नवादा में रैली हो रही थी। एक सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने बिहार के सरकार पर और महागठबंधन की सरकार पर जमकर निशाना साधा था। अमित शाह ने यह साफ कहा था कि जिस तरीके से बिहार में महागठबंधन की वर्तमान में सरकार है वो दंगाइयों की सरकार है, बिहार में लगातार दंगा फैला रही है, तो वहीं आने वाले 24 और 25 के चुनाव में कहीं ना कहीं सफाया कर देगी बीजेपी। हमारे साथ बात करने के लिए साधु पासवान है, राजद के वरिष्ठ नेता है और वर्तमान में राजद कोटे से SC/ST प्रकोष्ठ के बिहार प्रदेश अध्यक्ष है। साधु पासवान जी, कैसे देखते हैं अमित शाह बिहार पहुंचते हैं? वो कहते हैं कि बिहार में जिस तरीके से सरकार बनी है वो दंगाइयों की सरकार है, लगातार दंगा फैला रही है बिहार में। देखिए, बिहार बुद्ध की धरती है और गांधी की धरती है। यहाँ पर दंगा कभी आपसी जो भाईचारा है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का, लेकिन जिस तरह देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी से मैं पूछना चाहता हूँ, यदि वो बिहार की सरकार को दंगाई कर रहे हैं तो महाराष्ट्र में भी दंगा हुआ है, गुजरात में हुए हैं, तो वहाँ की सरकार क्या है? भारतीय जनता पार्टी ही का नाम है भारत जलाओ पार्टी। ये कभी राम के नाम पर, कभी जाति धर्म के नाम पर, इनका शुरू से स्टैंड रहा है कि आपसी जो भाईचारा है उसको मिटाकर ये अपनी रोटी सेकने का काम कर रहे हैं ये लोग। इसलिए यहाँ पर नीतीश जी की सरकार है और तेजस्वी जी की सरकार है, यहाँ आपसी माहौल को हम लोग खराब होने नहीं देंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कुछ शीर्ष नेता अफवाह फैलाने में लगे हुए हैं। योगी जी की सरकार बगल में है, हमारी पड़ोस, हमारा पड़ोसी राज है UP, उत्तर प्रदेश, वहाँ पर क्या हो रहा है? वहाँ पर राम राज है क्या? अमित शाह जी से पूछिए ना कि पहले गुजरात में और पहले महाराष्ट्र में जो उनकी सरकार है, पहले वहाँ तो ये करे, राष्ट्रपति शासन लागू करे। साधु पासवान जी, अमित शाह जिस तरीके से सभा को संबोधित कर रहे थे उस टाइम अमित शाह कह रहे थे कि नीतीश कुमार केंद्र की राजनीति करना चाहते हैं, वो प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, और तेजस्वी यादव बिहार की राजनीति करना चाहते हैं, वो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, लेकिन केंद्र तो जा नहीं पाएंगे नीतीश कुमार और बिहार में मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को बनने। अमित शाह जी बनाएंगे क्या तेजस्वी को मुख्यमंत्री जी? मुख्यमंत्री जनता बनाती है, बिहार की जनता तेजस्वी यादव और आदरणीय नीतीश कुमार जी के साथ है। जिस तरह पिछले जो आम चुनाव हुए थे, जिस तरह मैंडेट महागठबंधन के लोगों को मिला, मात्र 10,000 से हम लोग पीछे हो गए। हाँ, तो इनको नहीं बुझा रहा क्या अमित शाह जी को? इसलिए अमित शाह जी मुंगेरी लाल कासिम सपना नहीं देखें। निश्चित तौर पर हम ये जिस तरह भी इस बार राहुल गांधी जी के साथ भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जिस तरह उन्हें सदस्यता रद्द करने का काम किया, इस बार पूरे बिहार ही नहीं पूरे देश की विपक्ष हम लोग एक साथ हैं और पूरे एक मंच पर हम लोग आकर बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश से भारतीय जनता पार्टी यानी भारत जलाओ पार्टी को उखाड़ फेंकेंगे। साधु पासवान जी, अमित शाह कह रहे थे कि जिस तरीके से सासाराम या फिर बिहार शरीफ वहाँ पर स्थिति जिस तरीके से बनी है उसके मुख्य आरोपी नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की सरकार। मैं तो सीधा सा आरोप लगाता हूँ अमित शाह जी पर,
जब आप होम मिनिस्टर हैं, गृह मंत्री हैं भारत का, आपको जब पता था कि बिहार के ससुराम में जब राम ये उत्पात हुए हैं, क्या बगल में बिहार शरीफ, नवादा के बिल्कुल बगल में है बिहार शरीफ, वहाँ से मात्र बिहार शरीफ से नवादा की दूरी हम समझते 30 से 40 किलोमीटर की दूरी होगी, तो फिर अमित शाह जी ससुराम में जिस तरह रद्द किए कार्यक्रम, तो नवादा में क्यों नहीं कार्यक्रम रद्द किए? इसलिए सीधा आरोप अमित शाह जी पर लगाते हैं। आप चाहते हैं कि बिहार को जला दें और आपसी भाईचारा माहौल ख़राब हो, लेकिन यहाँ बिहार सरकार और बिहार सरकार के जो मुखिया हैं आदरणीय नीतीश कुमार जी चाहे तेजस्वी जी, ये चाहते हैं कि माहौल बिगड़े नहीं, शांतिपूर्वक मैं भी अपील करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से पूरे बिहार के सभी जाति धर्म के लोगों से कि ये भारतीय जनता पार्टी के बहकावे में नहीं आए, आपसी भाईचारा को बना कर रखें, और ये बुद्ध की धरती है, ये महात्मा गांधी की धरती है। जिस राज्य में आरजेडी हो, जिस राज्य में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार हो, वहाँ पर कभी शांति नहीं आ सकती, ये भी उन्होंने कहा। मैं तो कह दिया ना कि इनका नाम किस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, अमित शाह जी भारतीय जनता पार्टी, पहले वो माननीय प्रधानमंत्री जी का डिग्री तो दिखावे, जो डिग्री इनका फॉल्स है वो डिग्री तो दिखावे, बिहार ही नहीं देश की जनता को हैं, माहौल कहाँ खराब, यूपी में माहौल ठीक है क्या हैं? राष्ट्रीय लोक जनशक्ति रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान, जब जब कुछ भी होता है बिहार में, वो कहते हैं कि राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए, आपके भी करीबी हैं, आप उनके जियाजी हैं। सवाल ये है आपसे साधु पासवान जी कि जिस तरीके से अनेक राज्यों में जहां पर बीजेपी की सरकार है वहां पर दंगा फैलता है, तो वहां पर क्यों नहीं मांग करते हैं? देखिए, हनुमान द्वेष की राजनीति करते हैं, उन्हें पता नहीं कि बिहार सरकार का जो काम उन्हें दिखाई नहीं देता है, और वो बिल्कुल हमें लगता है कि राम का वो तोता बन गए हैं जी। जैसे केंद्र सरकार की तोता CBI ED है, उसी तरह हनुमान भी उसी के पेटेंट पर चल रहे हैं। क्या मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि आप बिहार में राष्ट्रपति शासन की मांग करते हो, तो क्यों नहीं महाराष्ट्र में भी तो दंगा हुए, गुजरात में दंगा हुए, क्यों नहीं वहाँ की सरकार को आप राष्ट्रपति जी से मिलकर आप वहाँ की सरकार को भी राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग करते हो? तो ये द्वेष की भावना करते हैं, ये मुंगेरी लाल का हसीन सपना ये देख रहे हैं अभी कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। सही, अभी यहाँ तो 20 साल तक मुख्यमंत्री की वैकेंसी खाली नहीं है, बिहार की जनता और आदरणीय नीतीश कुमार जी तेजस्वी यादव जी को आशीर्वाद दे दिए हैं, बिहार की जनता सभी जाति धर्म के लोग तेजस्वी यादव जी को, खासकर युवा वर्ग के लोग एक नज़र उनको तेजस्वी जी को दिल में बैठाए हुए हैं, इसलिए मुंगेरी लाल का सपना नहीं देखे हैं। सवाल रहेगा आपसे, जिस तरीके से बिहार की बातें हो रही है, कहा यह जा रहा है कि बिहार में बीजेपी जो है तमाम सीट जो है लोकसभा का वो कहीं ना कहीं अपने खाते में ले लेगी, तो वहीं आने वाले 24 के चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएगी। EVM हटा कर देख लेना बीजेपी, अमेरिका ऐसा राष्ट्र जो हमें वहाँ EVM का लोग नहीं इस्तेमाल करते हैं, जरा EVM हटा कर देख लेना, तो क्यों नहीं इस बार सरकार बना ली बीजेपी, यदि यही मंसूबा पाले हुए हैं कि इस बार वे लोकसभा में 40 के 40 सीट लेंगे, तो वो भी मुंगेरी लाल के हसीन सपना देख रहे हैं। यहाँ की जनता बेकूफ नहीं है, बिहार की जनता समझदार हो गई है। नोटबंदी क्या हुआ, बिहार का विशेष राज्य का दर्जा क्या हुआ, पटना यूनिवर्सिटी का केंद्र का दर्जा क्या हुआ, क्या हुआ 10 करोड़ नौकरी क्या हुआ, ATM निकालिए, ATM से पैसा तो टैक्स लगने लगे हैं, ये अब हम लोग झांसा में आने वाले नहीं हैं। जो युवा वर्ग खासकर पिछले चुनाव में जो हर हर मोदी घर घर मोदी का नारा लगाते थे, अब वही युवा लोग बर्बर मोदी और गड़बर मोदी का नारा लगा रहे हैं, इसलिए बिहार के लोग सभी लोग समझ चुके हैं कि अब BJP के झांसे में नहीं पड़ना है, इसलिए आप आम चुनाव भी देखोगे विधानसभा में तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में, यह सरकार थोड़ा सा छुप के चलते
उपचुनाव भी आप देखे होंगे, मोकामा में महागठबंधन की सरकार जीती, गोपालगंज में मात्र 1200 वोट से एनडीए को उम्मीदवार जीता। अब कोई श्रेय ले रहा है कि गोपालगंज में हमारे चलते चुनाव जीते हैं, तो भ्रम मत पाले, हनुमान भ्रम मत पाले, हाथी पाल ले लेकिन भ्रम नहीं पाले। चलिए तो देखिए, हमारे साथ साधु पासवान थे, SC ST प्रकोष्ठ के राजद के बिहार प्रदेश अध्यक्ष है। तो वहीं साधु पासवान जी का यह साफ कहना है कि चिराग पासवान हो या फिर अमित शाह हो या फिर नरेंद्र मोदी हो, वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। 24 में ना कोई प्रधानमंत्री बन पाएगा बीजेपी से और ना चिराग पासवान CM बन पाएंगे बिहार के। क्या कुछ कहते साधु पासवान, आपने सुना है साधु पासवान ने साफ कहा है कि जिस तरीके से दावा कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, सब झूठा दावा है, सब झूठी बातें हैं। तो वहीं जहां जहां बीजेपी की सरकार है वहां दंगा फैल रहा है और वहां पर चिराग पासवान राष्ट्रपति शासन की बातें नहीं करते, लागू करने की बातें नहीं करते, लेकिन बिहार में करते, क्योंकि बिहार में नीतीश और तेजस्वी की सरकार है और कहीं ना कहीं उससे कहीं ना कहीं नाराज है और खुश नहीं रहते, इसलिए कुछ भी बोलते रहते हैं। आने वाले दिनों में नीतीश और तेजस्वी की ही बिहार में सरकार रहेगी और बिहार के मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव बनेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही, और तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहे। पटना से सहयोगी अजय के साथ अभिषेक रिपोर्ट।